बिजली बोर्ड उपमंडल चंबा नंबर 2 ने 336 डिफाल्टर उपभोक्ताओं के बिजली कनेक्शन अस्थायी रूप से काटने के आदेश जारी कर दिए हैं। आदेश जारी होने के बाद बिजली बोर्ड की टीमें अब बिजली कनेक्शन काटने के लिए फील्ड में उतरेंगी। कनेक्शन कटने के बाद डिफाल्टरों को दोबारा से कनेक्शन बहाली हेतु लंबित बिल राशि सहित 250 रुपए का अतिरिक्त शुल्क भी देना होगा। बिजली बोर्ड के सहायक अभियंता इंजीनियर अजय कुमार ने बताया कि बोर्ड ने उपमंडल नंबर 2 में इसी माह 846 डिफाल्टर उपभोक्ताओं को अंतिम चेतावनी जारी की थी। नोटिस जारी होने के बाद कई उपभोक्ताओं ने बिलों का भुगतान कर दिया, लेकिन 336 उपभोक्ताओं ने बिल जमा नहीं करवाया है, जिनके पास बिजली बोर्ड के 5,92,589 रुपए की राशि फंसी है। उन्होंने बताया कि इन 336 उपभोक्ताओं ने बीते लंबे समय से बिजली के बिलों का भुगतान नहीं किया है, जिसके चलते अब बिजली बोर्ड ने इन डिफाल्टरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का निर्णय लिया है। उन्होंने बिजली बोर्ड की कार्रवाई से बचने के लिए डिफाल्टरों से लंबित बिल राशि जमा करवाने का आह्वान किया है। नमस्कार जी, विद्युत उपमंडल चंबा नंबर 2 के अंतर्गत 336 उपभोक्ता जिन्होंने नोटिस जारी होने के बावजूद भी अपना बिजली का बिल जमा नहीं करवाया गया है, उनके अस्थायी रूप से कनेक्शन काटने के निर्देश जो है फील्ड में जेईज को दे दिए गए हैं। ये 336 उपभोक्ताओं से 5,92,589 रुपये की राशि रिकवर करनी है। इसमें चनेट सेक्शन के 58 कंज्यूमर हैं, खजियार के 65, मरेडी के 59, साहू के 57 और सरोल के 97 उपभोक्ता जी। तो इनसे पहले हमने 3 तारीख को जो है नोटिस जारी किए गए थे, जो 846 उपभोक्ता थे, तो उनसे 336 उपभोक्ता ऐसे हैं जिन्होंने नोटिस जारी होने के बावजूद भी अपना बिजली का बिल जमा नहीं करवाया गया है, तो फील्ड में जेईज को निर्देश दे दिए गए कि अस्थायी रूप से कनेक्शन जो है काट दिए जाएंगे। सर, अस्थायी रूप से कनेक्शन कटने के बाद क्या प्रक्रिया रहेगी डिपार्टमेंट की? सर, अस्थायी रूप से कनेक्शन काटने के बाद जो है, जो अगर उपभोक्ता अपना बिल जमा नहीं करवाता है, तो उसके जो है हमारा जो एक टाइम पीरियड होता है ऑनलाइन, जो है सिस्टम से PDCO जनरेट हो जाएगा, उससे हम जो है मीटर को स्थायी रूप से निकाल कर ले आएंगे, फिर उपभोक्ता को पुराना बिल क्लियर करने के बाद जो है नया कनेक्शन जो है बहाल किया जाएगा।